यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में आज यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छी खासी रैली आ चुकी है यहाँ पे। तो एक हम कह सकते हैं कि अभी मार्केट बहुत बढ़िया से बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे किस तरीके से मार्केट में परफॉर्मेंस दिया है, आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं। तो चलिए वन डे के चार्ट के ऊपर चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से हमें यहाँ पे कुछ लेवल्स मिलने वाली है, जो कि हम यहाँ पे थोड़ा सा इंडिकेटर को हम थोड़ा सा बंद करते हैं क्योंकि हमने एक लगाया था, बंद करते हैं थोड़ा सा, इसे ही बंद करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा डिलीट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अभी यहाँ पे जो कि हाई बनाया था उसने, वो हाई के नज़दीक अभी जा सकता है मार्केट। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हाई बनाया था अभी उसके आसपास मार्केट जा सकता है, और इस तरीके से एक ट्रेंड बन रहा है जो मेरे ख्याल से अच्छी बात है। अगर निचली वाली लेवल देखते हैं थोड़ा सा इसी चार्ट को अगर बड़ा करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जोन जो हमें मिल रहा है, ये नीचे वाला जोन है, यहाँ पे 18,642 सपोर्ट दिख रहा है, उसके नीचे ये देख सकते हैं 18,550 का लेवल है। क्योंकि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो ये लेवल आपके लिए बहुत बढ़िया है। अगर गैप आपको ओपन होता है तो यहाँ पे 18,700 की रेंज आप देख सकते हैं। अगर उससे भी अच्छी बात है, अगर उसने हाई तोड़ा तो आप 18,800 का भी टारगेट इसमें देख सकते हैं। चलिए 15 मिनट चार्ट के ऊपर चलते हैं, तो मार्केट किस तरीके से कल का दिन हो सकता है। तो आज यहाँ पे देख सकते हैं 2 दिन से मार्केट अभी इस जोन में रहा है, 2 दिन से यहाँ पे देख सकते हैं ये जोन और ये जोन, ये जोन के बीच में मार्केट रहा है। तो मार्केट अभी यहाँ पे इस ब्रेकअप ब्रेकआउट हो सकता है या फिर यहाँ पे डाउन हो सकता है। लगभग तो ये 50 पॉइंट में मार्केट घूम रहा है, समझे 600 से लेके लगभग 675 के बीच में मार्केट घूम रहा है। इसमें अगर आपको रैली करनी की है तो एक तो गैप आपको ओपन हो सकता है, गैप डाउन यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रेन लाइन आपकी खास बन चुकी है और एक रजिस्ट्रेशन पे देख सकते हैं काफ़ी 18,650 बहुत बढ़िया है। और उसके नीचे अगर देखें तो अगर ये सपोर्ट हम देखें यहाँ पे 18,600 का एक सपोर्ट बना के अगर दिख रहा है, तो मार्केट जब तक ये बॉक्स के नीचे मार्केट नहीं जाता तब तक हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा इसमें इस तरीके से एक ट्रांजेक्शन बना सकता है। अगर जब डाउन ओपन होता है तो किस तरीके से रेंज होगी हमारी होगी लगभग 18,575 की हम रेंज को सेल पसंद करेंगे। इसके नीचे ऊपर होगा, गैप डाउन ओपन हो गया तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो रेंज होगी वो लगभग 18,675 की रेंज होगी। इसके ऊपर हम जाएंगे तो यहाँ पे एक बाई करते हैं, यहाँ पे एक सेल करते हैं इस तरीके से, तो अच्छी बात है यहाँ पे। चलिए बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी बहुत अच्छा सा मुझे बुलिश दिख रहा है, जो कि मुझे ख्याल से मेरे घर के एक अच्छा सपोर्ट आपको दिख रहा होगा। एक इस तरीके से हम यहाँ पे उसे टैक यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक रेंज बहुत मेरे ख्याल से जो होगी वो सपोर्ट जोन की तरह काम करेगी, वो होगी यहाँ पे आप देख सकते हैं 44,500 के। और निचली लेवल आपके यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 44,000 की लेवल है। ये दो लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में, लेकिन अभी हम कल का ट्रेड किस तरीके से हो सकता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं उसी तरीके से हमने जो कहा था कि उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इसके ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं एक अच्छा सपोर्ट बनने के बाद एक ट्रेंड लाइन अच्छी हमें दिख रही है। यहाँ पे ये लेवल है 44,600 की रेंज है, और निचली वाली लेवल है 44,200 की लेवल है, ये दो लेवल है। अगर मैं गैप डाउन ओपन होता है और 44,000
200 के नीचे मार्केट ओपन था, हम यहाँ पे सेल करेंगे। अगर यहाँ पर आपको बताएं तो 44 यहाँ पे लगभग 600 के ऊपर मार्केट ओपन होता है, तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। अगर लेने का ट्रेड तो आप एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट इस तरीके से बुलिश ही मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है। कम क्वान्टिटी में लीजिए, और लेकिन समय ऐसा कर हो सकता है अभी यहाँ पे 2-3 दिनों से इस तरह से हो रहा है। ये 30 मिनट्स जो होंगे लास्ट के समय का, लास्ट के 30 मिनट्स काफ़ी क्रूशियल हो रहे हैं, क्योंकि कल का ट्रेड लेने के लिए समझो मुझे 30 मिनट्स में मैंने ट्रेड लिया समझो नहीं क्या, तो मैं कल का ट्रेड समझो मुझे बुलिश लेने का, तो मैं आज 30 मिनट्स जो कि लास्ट के होंगे इसके लेने के बाद मैं कल जब जब आपको पहुँचा तो मैं 10 मिनट में सिर्फ 10 मिनट में यहाँ से ट्रेड से प्रॉफिट बना के बाहर निकल सकता हूँ। कुछ दिनों से इस तरीके से पैटर्न चल रहा है मार्केट में, और अगर मार्केट देखे तो उस रेंज में ही घूम रहा है। जिस तरीके से आपको जब मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, जब जितना होता है 100 पॉइंट का अगर गैप डाउन ओपन होगा तो 100 पॉइंट 50-150 आसपास के करीब मार्केट पूरा दिन 50 पॉइंट के लिए घूमता रहता है। तो इस तरीके से हो रहा है मार्केट का हाल। तो बस आज के वीडियो में इतना ही।